भाई क्या करना, मरना चाहता है क्या? हाँ मरना चाहता हूँ मैं। क्यों रोक दिया आपने गाड़ी? उड़ा देती ना मेरे को, सब खत्म हो जाता। और हुआ क्या है? शांत हो जाओ, क्यों मरना चाहते हो? जब जीने के लिए कुछ बचा ही ना हो तो मरना ही ठीक है ना। हुआ क्या है? फैमिली में कुछ हुआ है? तुम्हारी फैमिली में सब है? हाँ है। सब है तो फिर कैसे खत्म हो गया सब कुछ? फैमिली तो सब कुछ होती है। पर मेरी फैमिली के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी फैमिली वाले मुझसे बात तक नहीं करते। मैंने अपने घर वालों को बर्बाद कर दिया। बात कैसे? मैंने अपने घर वालों के ऊपर 96 लाख का कर्जा चढ़वा दिया है। 96 लाख? क्या किया तुमने इतने पैसों का? मैं बहुत जल्दी पैसे कमाना चाहता था, इसलिए कुछ सेलिब्रिटी कुछ इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता था। वो अपनी वीडियो में बताते थे कि अगर यहाँ पैसे लगाओगे ना तो बहुत जल्दी लाखों रुपए कमाओगे, इसलिए मैंने उनकी बात मानी और धीमे धीमे करके घर के सारे पैसे लगा दिए। कुछ दिनों बाद बैंक वाले, क्रेडिट कार्ड वाले सब लोग घर पे आके बेइज्जती करके जाते थे। मेरी माँ टीचर है, उनकी बेइज्जती करके जाते थे। अब इतना सब कुछ होने के बाद मैं जिंदा कैसे रह सकता हूँ? अपने घर वालों के पैसे, इज्जत सब बर्बाद कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे मरने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? जो कर्जा तुमने कर लिया है, क्या वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी? नहीं ना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? उनपे क्या बीतेगी? वो ऑलरेडी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है और तुम उन्हें इस प्रॉब्लम में छोड़ के भागने का प्लान कर रहे हो। अरे जीते जी सोचो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। मरने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखो, किसी भी शॉर्टकट से कोई करोड़पति नहीं बनता। रातों रात नहीं लोग अमीर हो जाते हैं। और ये जो इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज इन बेटिंग एप्स का प्रमोशन करते हैं ना, ये बेटिंग ऐप की वजह से अमीर नहीं हुए हैं। ये अपने काम की वजह से अमीर हुए हैं। अपने काम में मेहनत करने की वजह से ये करोड़पति बने हैं या इनके पास जो भी पैसा है। पर बेटिंग ऐप वाले इनको अच्छा खासा पैसा देते हैं ताकि उनका प्रमोशन हो और तुम जैसे लोग और भोले भाले बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा सके कि तुम लोग भी उनकी तरह रातों रात अमीर बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। पर मुझे तो ये समझ नहीं आता कि किस बात के इन्फ्लुएंसर्स बने फिरते हैं। एक इन्फ्लुएंसर का काम होता है ऑडियंस को, बच्चों को, यंग जनरेशन को अच्छी चीजों के लिए इन्फ्लुएंस करना, ना कि जुआ खेलने के लिए इन्फ्लुएंस करना। और गलती ना ऑडियंस की है कि वो ऐसे लोगों को फेमस कर देती है, उनको सेलिब्रिटीज बना देती है। और तुम मुझे एक बात बताओ, जिस भी इन्फ्लुएंसर के कहने पर तुमने लाखों रुपए कमा दिए, तुम उसको एक मैसेज करके देखो या कभी मिलने बोल के देखो, मैसेज का रिप्लाई तक नहीं आएगा। बाकी तो तुम छोड़ ही दो। किया था मैंने उनको मैसेज, मिलने की भी कोशिश करी थी, उनको बताया कि मैं इतने पैसे हार चुका हूँ। और पता जवाब में क्या आता है? कि हमने थोड़ी बोला था पैसे लगाने के लिए, हमें तो प्रमोशन करने के पैसे मिले थे तो हमने कर दी। अब उनको क्या पता कि उनके प्रमोशन के चक्कर में हमारे जैसों के कितने घर खराब होते हैं, कितने लोग मरने पे उतर आते हैं, कितने लोग सिर्फ स्ट्रेस में जी जाते हैं। So guys, जिन लोगों ने भी ये बेटिंग एप्स बनाए हैं ना, उन्होंने अपनी कमाई के लिए बनाए हैं, ना कि आप लोगों की कमाई के लिए। उन्होंने ये एप्स इसलिए बनाए हैं ताकि वो करोड़पति बन सके, ना कि आप लोग। अगर आप लोग ये बेटिंग एप्स यूज करेंगे ना, तो करोड़पति तो छोड़िए, आप रोडपति जरूर बन जाएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजे और अवेयर रहे ऐसे फर्जी इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स से। थैंक यू। आओ तुम साइड में आओ।